सो मेरे भाई लोग, एक और दिन, एक और सर्कस। जावी हर्नांडिस को फिर से सैक कर सकता है लापोर्ता एंड बार्सिलोना के मैनेजमेंट के जितने सारे लोग हैं। आप जानते हो कॉन्टेक्स्ट, पिछले 5-6 महीने पहले जब वियरियल के खिलाफ वो मैच हुआ था 5-3 से बार्सा डिफीट हुआ था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है हमारा जावी एंड डायरेक्टली आके बोलते हैं कि जो प्रेस का या फिर बोलो या सोशल मीडिया का या फिर जितने सारे मैनेजमेंट का जितना प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और आने वाले 4-5 महीने बाद जब ये विंडो खत्म होगा, मतलब ये सीज़न खत्म होगा, उसके बाद मैं मूव ले लूँगा, मतलब मैं बार्सा का मैनेजर अगले सीज़न में नहीं रहूँगा। उसके बाद यही चलता आता है, एंड उन्होंने ये भी कहा था कि अगर यूसीएल जीत भी जाता है जावी, लेकिन उसके बाद भी जावी कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन फाइनली 15-20 दिन बाद ये चीज़ होता है कि बार्सिलोना ये डिसीजन लेता है जावी को कन्विंस करते कि जावी अगले समर विंडो के बाद भी, मतलब अगले सीजन के बाद भी बार्सा का मैनेजर रहे, और ये कन्फर्म था। और 2 दिन पहले अल्मेरिया के साथ मैच होता है, 2-0 से बार्सा आराम से जीतता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावी को ये कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आने वाले सीजन के बाद बताओ आप तो रहेंगे, आप तो मैनेजर रहेंगे बार्सा का, तो आने वाले सीजन के बाद जो टॉप यूरोपियन जितने सारे टीम से या फिर रियल मदीद बताओ या फिर बाकी के जितने सारे लीग्स में आप किस तरीके से ऑपरेट करोगे, मतलब कौन सा न्यू प्लेयर आएगा या फिर किस तरीके से बार्सा का फ्यूचर होगा। फिर जावी बोलते कि भैया बार्सिलोना के जितने सारे फैंस हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बार्सा के ऊपर ना रखिए, क्योंकि 20-25 साल में बार्सा का जो फिनेंशियल कंडीशन था या फिर बार्सा का जो मैनेजमेंट, जो स्टेबिलिटी था, वो अभी बार्सिलोना में नहीं है। तो उसके बाद बहुत सारा चीज़ बोलते कि भाई बार्सा का अभी इतना स्टेबिलिटी उतना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो हर चीज़ आप अपने मन माफिक नहीं कर सकते बार्सिलोना में, जो 10-15 साल पहले या फिर 20 साल पहले कर सकते थे। तो इस तरीके से लापोर्ता बताओ, जो बार्सा के प्रेसिडेंट है, इस चीज़ के ऊपर चुकता है कि भैया जावी कैसे बोल सकता है कि 20-25 साल में भैया सबसे अनस्टेबल कंडीशन ये है। देखो जावी तो बट अभी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, जावी तो एक फुटबॉलर है एंड उसके बाद एक मैनेजर है, तो बट अभी उनके पास जो फैक्ट है, उनके पास जो फिगर है, वो जानता है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। क्योंकि आप जानते हो लालिगा जीतने के बाद, अगर देखो एक मैनेजर अगर कोई लीग जीतता है ना, उसके बाद मैनेजर को बैक किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। पिछले सीजन जब लीग जीता था बार्सिलोना ने, उसके बाद जावी ने डिमांड किया था कि मेरे को भैया साइनिंग्स चाहिए, किसी भी प्लेयर्स को, किसी भी मैनेजर्स को या किसी भी टीम को साइनिंग्स चाहिए होता है प्रीमियर लीग जीतने के बाद। मतलब इतनी देर तक यूसीएल नहीं जीत पाए पेप गॉर्दिओला, लेकिन उसके बाद भी पेप का जो मैनेजमेंट है, पेप को बहुत तगड़ी तरीके से बैकअप दिया। सिर्फ पेप की वजह से आज मैन सिटी नहीं बना है, आज मैन सिटी के पीछे जो जितने सारे लोग हैं, मैनेजमेंट के जितने सारे लोग हैं, उनका सुपर मैनेजमेंट रहा है। उसके बाद पेप को सारा साइनिंग्स मिला है, उसके बाद स्ट्रक्चर मिला है, उसके बाद पेप जाके आज इतना कुछ उखा रहा है। लेकिन पेप इतने सालों में एक ही यूसीएल जीता है, मतलब हर एक चीज पे एक ही यूसीएल जीता है। मतलब ऐसा नहीं मैं पेप को डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मैनेजर उतना खतरनाक मैनेजर तब बनता है जब मैनेजमेंट मैनेजर को सपोर्ट करते हैं। मतलब आप एज अ जावी, आप लालिगा जीते हो, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को बैकअप देगा, मेरे को जो प्लेयर चाहिए होगा उनमें इन्वेस्ट वगैरह करेगा, लेकिन जावी को मिलता क्या है? जावी को मिलता है मेरे भाई 3.5 मिलियन का ओरियोल रोमियो। अब ओरियोल रोमियो 3.5 मिलियन का लेके जावी क्या कर लेगा? लेकिन उसके बाद भी ये सीजन बहुत सारे लोग बोल रहे बार्सा तो फेलियर है मेरे भाई, इस बार तो बार्सा खा गया, मतलब बार्सा तो डिमोलिश हो गया। भैया इस बार भी बार्सा सेकंड पोजीशन पे ही है, यूसीएल में क्वार्टर फाइनल में गया और रोनाल्डो अराउहो का जो रेड कार्ड नहीं आता, तो बटो भी सेमीफाइनल खेलता या फिर फाइनल भी खेल सकता था बार्सिलोना। मतलब उनके पास वो लक भी था और उनके पास वो ग्रुप भी था कि पीएसजी और डॉर्टमुंड को पेल के आराम से फाइनल खेल सकते थे, लेकिन एक प्लेयर का इंडिविजुअल मिस्टेक से कुछ गड़बड़ हो गया। मतलब एज अ फैन या फिर एज अ फुटबॉल फैन बताओ, बार्सिलोना का ये कैंपेन बहुत ही खराब कैंपेन नहीं है? सेकेंड पोजिशन पर फिनिश कर रहे हो, क्वार्टर फाइनल जा रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट सेमीफाइनल टच कर रहे हो, मतलब किस तरीके से आप फेलियर कह सकते हो? लेकिन उसके बाद भी जावी के ऊपर प्रेशर बरकरार रहता है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जावी को, भैया आप किस तरीके से फ्यूचर देख रहे हो? तो जावी फैक्ट ही बताएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पावर का। देखो लापोर्ता इज अ प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना, हम सारे लोगों को पता है, और लापोर्ता के साथ फुटबॉल का लिंक दूर दूर तक नहीं है। लापोर्ता इज अ प्योर पॉलिटिशियन, एंड लापोर्ता का जो मैंने 3-4 साल का जो रिकॉर्ड देखा है, देखो लापोर्ता एक ऐसा बंदा है जो मेन पावर चाहता है, वो चाहता है कि बार्सिलोना उसके कंट्रोल में रहे। पहला पॉइंट मेसी, लापोर्ता का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था या जीतने का जो सबसे ज़्यादा मोटो था, सबसे बड़ा जो मोटो था, वो बार्सिलोना के फैंस को जिस तरीके से कन्विंस किया था कि भैया मैं अगर रुकूंगा, अगर मैं एज ए प्रेसिडेंट आता हूँ तो भैया मेसी गारंटी रहेगा, लेकिन उसके बाद मेसी के साथ क्या होता है हम लोगों को पता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था भैया मेसी का प्रॉब्लम, शायद मेसी का प्रॉब्लम था, लापोर्ता 100% ट्राई किए थे लेकिन उसके बाद मेसी नहीं रुका। लेकिन अभी लगता है कि लापोर्ता इज अ मैन, वो नहीं चाहता कोई भी दूसरा एक बंदा जिसका पीआर बताओ, जिसका प्रमोशन बताओ, जिसका नेम फेम बताओ ज़्यादा अच्छा है, वो बंदा बार्सिलोना में रुके। क्योंकि देखो उसके बाद अगर जा भी,
मतलब देखो सीधी बात यह है, लापोर्ता को चाहिए यस मैन। ये बार्सा फैन ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं या फिर ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन मैं जो 3-4 साल में लापोर्ता को मतलब नोटिस किया हूँ, लापोर्ता को चाहिए सिंपल एक यस मैन, मुंडी हिलाने वाला लड़का या मुंडी हिलाने वाला मैनेजर, कि बंदा जो फिनेंशियल कंडीशन को ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछे, ज़्यादा डिमांड ना करे, ज़्यादा वेज बताओ या फिर ज़्यादा सुपरस्टार बताओ, ये सारे साइन इसके ऊपर डिमांड ना करे। लापोर्ता जो देगा भैया, मैनेजर चुपचाप सहन ले। अगर इस तरीके से भैया बार्सिलोना चलेगा तो भैया प्रॉब्लम है आने वाले 2-3 साल के, मतलब 2-3 साल के अंदर बार्सिलोना का जो स्टेटस है ऑलरेडी थोड़ा बहुत क्रम्बल हो चुका है, 2-3 साल के अंदर भाई बार्सिलोना को खा जाएगा। और आने वाले 4-5 साल बाद हो सकता है बार्सिलोना नेक्स्ट पीएसजी या फिर नेक्स्ट मैनचेस्टर बन जाए, लेकिन पीएसजी और मैनचेस्टर भैया सर्वाइव कर जाएंगे या फिर सर्वाइव कर चुका है, क्योंकि पीएसजी और मैनचेस्टर के पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, दैट इज पैसा। लेकिन बार्सिलोना के पास मेरे भाई वो पैसा नहीं है। आज मैनचेस्टर पिछले 10 साल में बहुत प्रॉब्लमेटिक जगह पे है, लेकिन मैनचेस्टर हेयर एंड देयर यूरोपा कप बताओ या फिर छोटा मोटा कप बताओ ये सब जीते हैं, अभी भी मैनचेस्टर स्टेबल है, क्योंकि मैनचेस्टर के जितने सारे ओनर्स थे वो लोग फुटबॉलिंग ब्रेन तो नहीं थे, लेकिन वो लोग बिजनेसमैन थे, वो पैसा छापना जानते थे। लेकिन भैया लापोर्ता बिजनेसमैन भी नहीं है, लापोर्ता इज अ पॉलिटिशियन, उसको सिर्फ चाहिए पावर कि भैया मैं ऊपर रहूं और मेरे कंट्रोल में पूरा का पूरा फैन बेस एंड इस तरीके का कैरेक्टर मेरे अंडर में रहे जिनका फैन बेस या जिनका प्यार मेरे से कम हो, जो मेरे कंट्रोल में रहे, और इस तरीके से पावर जो होता है ना कि पावर मेरे हाथ में रहे, और पावर के जो ग्रीडी होते वो भैया खा जाते। तो मुझे लगता है कि बार्सिलोना के जितने फैंस है थोड़ा बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लापोर्ता के ऊपर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि भाई आप नाटक कैसे कर रहे हो भैया, पिछले सीजन एक बंदा जो आपको लीग जिताता है उसके ऊपर आप इस तरीके से कैसे चढ़ सकते हो और उसको आप 2 बार कैसे सैक कर सकते हो। देखो पहला बार ये चीज़ है कि जावी का एक आपका फॉल्ट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि देखो जावी हर्नांडिस एट द एंड ऑफ द डे इज अ फुटबॉल लेजेंड, राइट। बार्सिलोना के अगर वो जो गोल्डन जनरेशन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया सुआरेज, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेसी, नेमार, इनिएस्ता, बुस्केट्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू जावी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बार्सिलोना। अगर मैं एक थोड़ा सा स्टैट दूं ना, एज अ फैन बॉय अगर मैं स्टैट दूं, देखो मैं बार्सिलोना का फैन नहीं हूं लेकिन मेरे को जावी बहुत अच्छा लगता है। देखो 2015 में ना बार्सिलोना ट्रिबल जीता था, ठीक है ना, एमएसएन के साथ, एमएसएन बहुत खतरनाक एमएसएन, इनिएस्ता है, बुस्केट्स है, उसके बाद आपके पास लुइस सुआरेज, नेमार, मेसी आपके पास है, बढ़िया ट्रिबल जीता। मेरा एक क्वेश्चन है, 2016 में भी एमएसएन था, 2017 में भी एमएसएन था, लेकिन वो 2 सीजन बार्सिलोना ने कुछ नहीं जीता था, मतलब यूसीएल नहीं जीता था। आपको पता है 2015 में और 16-17 में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस एक ही था मेरे भाई लोग, दैट इज जावी हर्नांडिस। 2015 में जो होल्डिंग मिडफील्डर नंबर 8 आपका जावी हर्नांडिस रिटायर्ड ले चुका था। तो जावी हर्नांडिस हो सकता है उतना प्रमोशन नहीं मिलता है, उतना उनको फुटेज नहीं मिलता है, लेकिन गोल स्कोर नहीं करते, वो नेमार का ड्रिबल, वो सुआरेज का फिनिश, वो मेसी का फिनिश, लेकिन वो जो गोल्डन जनरेशन है, सो कॉल्ड ट्रिबल है बार्सा का, उस ट्रिबल में जावी हर्नांडिस का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जावी हर्नांडिस बार्सा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और मुझे लगता है कि एक बार ना बोलने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार ना बोलने के बाद, वो बंदा खुद के ऊपर मुकर रहा है, मतलब खुद का जो वर्ड्स का वैल्यू उसको पलट रहा है, सिर्फ और सिर्फ बार्सा को कितना प्यार करता है इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से एक आपका क्लब लेजेंड जो अपने क्लब को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, खुद के वर्ड से भी ऊपर रखता है, मतलब एक बार कैमरे के सामने ना बोलने के बाद भी फिर से हाँ बोल रहा है कि मैं मैनेजर रहूँगा, उसके साथ फिर से धोखा, दैट इज़ टू मच मेरे भाई। आप अपने क्लब लेजेंड के साथ, फुटबॉल लेजेंड के साथ भी ये नहीं कर सकते, लेकिन स्पेशली आप अपने क्लब लेजेंड के साथ इस तरीके से मतलब घटिया कैरेक्टरिस्टिक्स या घटिया बिहेवियर कैसे कर सकते हो, दैट द पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि लापोर्ता का मैंने जो चीज़ बताया, ओनली द ग्रीड ऑफ पावर, उसको भाई मेन मैन बनना है, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट, बहुत सारी जगह पर ये बोला जा रहा है कि वे फेरन टोरेस बताओ या फिर विक्टर रोके बताओ, इसके ऊपर बातचीत हो रहा है कि विक्टर रोके को जाबी लेके आया, ब्रदलियन एक बंदे को लेके आया 19 साल के उम्र का बंदा, 60 मिलियन से लेके आया, उसके बाद विक्टर रोके का जो एजेंट है वो डायरेक्टली आके बोल रहा है कि भाई 19 साल का बंदा मेरा है, मतलब कोई लेजेंड नहीं है विक्टर रोके, लेकिन वो बंदा नहीं रुकेगा अगर उसको गेम टाइम नहीं मिलता। अब 19 साल के बंदे को अगर गेम टाइम नहीं मिलता नहीं तो नहीं रुकेगा, वो बंदा लोन मूव भी कंसिडर नहीं करेगा, परमानेंट मूव कंसिडर करेगा, या फिर उसको मतलब आपको खिलाना पड़ेगा, मतलब कुछ टाइम आपको खिलाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि जो प्लेयर साइनिंग वगैरह हो रहे मैनेजमेंट किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। मतलब विक्टर रोके जब आया था आपके बार्सिलोना में,
उस टाइप पे वेक्टर के एजेंट के साथ क्या बातचीत हुआ था, कुछ गारंटी मिनट्स बातचीत हुआ था कि भाई तेरे को इस तरीके का मिनट गारंटी मिलेगा तू आ जा, या फिर उसको इस तरीके से कन्विंस किया गया था भाई कुछ किसी तरीके से आ जा तू यहाँ पे आके कुछ ना कुछ गारंटी कर लेगा, या फिर सब कुछ क्लैरिटी था कि भाई तेरे को आना पड़ेगा या फिर तेरे को बेंच भी बैठना पड़ सकता है या फिर मैं तेरे को रोटेट भी करूँगा या फिर तेरे को लोन मूव भी किया जा सकता है। इस तरीके से आपको क्रिस्टल एंड क्लियर अगर नहीं तैयार होगा तो हर एक प्लेयर के साथ क्लैशेस बनेंगे। देखो अब रियल मैड्रिड के साथ देखो आर्दा गुलर आपका बेंच वॉर्म करता है अभी राइट, दो तीन बंदे को स्टार्ट मिला लेकिन आर्दा गुलर तो नहीं बोल रहा कि मेरे को भाई प्लेइंग 11 में जगह लेना ही है। तो बट ऑबवियस साइनिंग करने से पहले मैनेजमेंट के जितने सारे लोग हैं क्रिस्टल क्लियर कर देते कि भाई तेरे को ऐसा खेलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे खेलना पड़ेगा, इसके बाद आप सेटिस्फाइड हो तो आप आओ नहीं तो आप नहीं आओ। तो इस तरीके से 60 मिलियन का साइनिंग जाबी लेके आया या फिर आपका मैनेजमेंट का इस तरीके से क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। और सबसे चीज़ ये क्या है ना, खराब सबसे चीज़ ये है, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई बार्सिलोना का कोलैप्स नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ला मासिया है। बट ऑब्वियस आपके पास मेरे भाई लोग ला मासिया है द बेस्ट, अगर नहीं भी बोलूं तो बट ऑब्वियस ही इज वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन फुटबॉल राइट। लेकिन अभी का जो फुटबॉल है ना बहुत ही ज़्यादा स्पीडी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फुटबॉल हो गया, फिजिकल फुटबॉल हो गया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यंग प्लेयर को अपने प्लेइंग 11 में जगह नहीं दे सकते मेरे भाई, बिकॉज इस तरीके से इंजरी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर एकेडमी से ज़्यादा प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स आप लेके आओगे और उन सबको अगर इंजर्ड कर दोगे तो आप बहुत सारे टैलेंट को भैया वेस्ट कर दोगे। तो आपको प्लेयर के साइनिंग चाहिए होगा और प्लेयर के साइनिंग कैसे होगा चाहिए होगा मेरे भाई, उसके लिए चाहिए पैसा। लापोर्ता मेरे भाई साहब पैसा देने के लिए मुझे लगता है कन्विंस्ड है, और इस तरीके कैरेक्टर से भी लापोर्टा का प्रॉब्लम है जो सामने आके ये ना बताए कि भाई हमारे क्लब के पास पैसा नहीं है, उसको इस तरीके का मैनेजर चाहिए या इस तरीके का लोग चाहिए जो सामने आके बोले बार्सा फैंस को सो मच मतलब टॉक्सिसिटी फैलाए या फिर फेक एक मोटिवेशन फैलाए कि भाई बार्सिलोना अभी भी भाई बहुत मस्त क्लब है, बार्सिलोना भाई अभी भी यूसीएल उखाड़ सकता है, बार्सिलोना भाई अभी भी टॉप क्लास है, और फैंस को धुंधला बताओ या फिर फैंस को बताओ अंधकार में रखे। तो इस तरीके से आई थिंक लापोर्टा ऑपरेट करना चाहता है और मुझे लगता है कि बार्सा फैंस को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और क्वेश्चन वगैरह पूछना पड़ेगा क्योंकि जाबी को फिर से सैक करने वाला है आई थिंक लापोर्टा। मैं कल ये वीडियो लेके आने वाला था लेकिन मैं 24 घंटे वेट किया कि देखूँ जाबी एक दिन के अंदर ही जाबी को सैक कर दिया कि नहीं, लेकिन मैटर करता है कि जाबी सैक होने के बाद आएगा कौन। पहला पॉइंट है आपका हांसी फ्लिक, अब हांसी फ्लिक इस जगह पे आएगा कि नहीं इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है राफा मार्किनेस, अब राफा मार्किनेस को अब लेके आओगे तो मेरे भाई भैया दो तीन साल के लिए खत्म हो जाएगा क्लब। जावी हर्नांडिस आके दो तीन साल के अंदर आपके अंदर ये प्रोजेक्ट बिल्डअप किया, उसके बाद अब राफा मार्किनेस को लेके आओगे, मतलब एक मैनेजर सैक करके अगला मैनेजर लेके आते हो अपग्रेड करने के लिए मेरे भाई, डाउनग्रेड करने के लिए नहीं, ऑलमोस्ट लीग चैंपियन को एक छोड़ के मतलब एक मैनेजर को सैक करके आप बी टीम की या जूनियर टीम के एक मैनेजर को अब लेके आ रहे हो और इस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। आई गारंटीड इस तरीके से बार्सा मैन को मोटिवेट किया जाएगा। देखो पेप गवार्दियोला था, ये हमारा नेक्स्ट पेप गवार्दियोला है, ये हमारा नेक्स्ट मेसी है, ये हमारा नेक्स्ट इनिएस्ता है। इस तरीके से भैया आज के क्लब के जो इतने सारे फैंस है उनका जो नॉस्टैल्जिया है, उनका जो इमोशन है, इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है या फिर यूज किया जाता है। और इस तरीके से अगर काम होगा तो आने वाले दो तीन सीजन के अंदर भैया बार्सा का और भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है। और सबसे चीज़ ये है कि वीडियो खत्म करने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये सारे जो ड्रामा हो रहा है ना, इस सारे जो नेगेटिविटी हो रहा है, ये फिर पॉलिटिक्स चल रहा है, इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर इफेक्ट होगा पता है, जो यंग प्लेयर्स है, पेड्री, गावी, अराहो या फिर बताओ यमाल, ये सारे लोग थोड़ा सा अनप्रोफेशनल बन जाएंगे, ये भी ये ड्रामा का पार्ट बन जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो सीरियस है अपने करियर को लेके वो भी थोड़ा साइड हटना शुरू करेंगे क्योंकि आज के टाइम में ना क्लब के ऊपर इमोशन या क्लब के अंदर वो एथिक्स या क्लब के लिए मैं जान दे सकता हूँ, अभी के टाइम में भाई 100 में से बंदा एक भी बंदा नहीं करता। पिछले आने वाले 15-20 साल पहले जो पिछले जन इन पास्ट इस तरीके का प्लेयर होता था कि भाई मैं अपने बैच के लिए जान लगा दूँ, अभी के टाइम इट्स ऑल अबाउट पैसा, इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया, इट्स ऑल अबाउट पीआर, इट्स ऑल अबाउट नेम फेम, क्योंकि प्रमोशन बताओ, फ्रेंचाइजी बताओ, ये सारे चीज़ नेम फेम के ऊपर डिपेंड होता है। बहुत कम प्लेयर होते, ऐसा नहीं कि सारे प्लेयर्स ऐसा करते, बहुत कम प्लेयर होते, लेकिन जितने सारे यंग प्लेयर बताओ, कुबार्सी बताओ, यमाल बताओ, ये सारी चीज़ देख रहे हैं, उनके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब देखना पड़ेगा जाबी को रखते फिर से जाबी को कन्विंस करते या फिर जाबी सैक होता है या फिर जाबी निकल जाते, पता नहीं मेरे भाई, लेकिन इट्स अ टोटल ड्रामा, इट्स अ टोटल मैच, इट्स अ टोटल सर्कस, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार्सिलोना फैन नहीं हूँ लेकिन फिर भी ये सब चीज़ भैया गंद है। मैं चाहता हूँ
फुटबॉल को लेकर बात करने के लिए, लेकिन ये सब गंद के ऊपर बात करना पड़ता है। तो जितने सारे बार्सिलोना फैंस है, आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या सोचते हो? देखो लापोर्ता हरामी है तो गारंटी मेरा स्टेटमेंट है भैया, लापोर्ता को भैया लात मार के निकालो। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले सीजन में क्या होगा या फिर क्या करना चाहिए, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा।